Hello guys, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about New Zealand Partner Visas. तो मैं इसमें जो है New Zealand Partner Visas को compare करूँगा कि कौन सा visa आपके लिए suitable है. तो video को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे channel पे first time visit कर रहे हैं जहाँ अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please do so because हम आपके लिए ऐसी ही जो है information वाली videos लेके आते रहते हैं. तो आइए video को शुरू करते हैं without any delay. तो guys, अगर आप एक न्यूजीलैंड सिटीजन है जहाँ न्यूजीलैंड पीआर है जहाँ एक एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन या पीआर है तो आप जो है अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकते हैं टू लिव एंड वर्क इन न्यूजीलैंड. तो जो न्यूजीलैंड का पार्टनर वीज़ा होता है उसमें यूजली 4 टाइप्स के वीज़ाज आ जाते हैं. तो लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि उनको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, कहीं वो कोई जो है गलत वीज़ा ना अप्लाई कर दे. तो अगर आप न्यूजीलैंड के पीआर हैं या सिटीजन है तो आपको जो है अपने पार्टनर को न्यूजीलैंड में बुलाना है तो उसमें जो 4 टाइप्स के वीजा होते हैं उसमें सबसे पहले जो वीज़ा होता है वो होता है पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर रेजिडेंट वीज़ा. तो जो पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंड रेजिडेंट वीज़ा होता है वो एक एलिजिबल न्यूजीलैंडर जो है वो अपने पार्टनर को एक परमानेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं. उसकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनका जो पार्टनर है पहली तो बात उन्हें अपनी पुलिस क्लियरेंस प्रोवाइड करनी होती है, सेकेंडली वो जो है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी कपल है वो एक साल के एक ही छत के नीचे रह रहे होने चाहिए, यानी कि उन्होंने जो है 12 मंथ्स का अपना लिविंग पीरियड पूरा कर लेना होना चाहिए चाहे वो किसी डिफैक्टो रिलेशनशिप में है चाहे वो लीगली मैरिड है. अगर उन्होंने 12 महीने एक साथ एक ही छत के नीचे रह लिया है अपना लिविंग पीरियड पूरा कर लिया तो वो जो है ये रेजिडेंस क्लास वाला जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो परमानेंट होती है यानी कि इंडेफिनेट होती है. तो इसमें जो उनका पार्टनर है वो फुल टाइम वहाँ पे वर्क कर सकता है और रह सकता है इन न्यूजीलैंड. तो काफ़ी लोग जो है इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होते क्योंकि उनका जो है 12 मंथ्स का पीरियड पूरा नहीं हुआ होता, क्योंकि वो जस्ट शादी के बाद ही अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं. तो उस केस में देर आर एनी मैनी अदर वीज़ाज. तो इसमें जो सेकेंड वीज़ा आ जाता है वो होता है कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा. तो कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनकी अरेंज मैरिज हुई होती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में काफ़ी लोग जो है अरेंज मैरिज करवाते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है या जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं यानी कि जो कपल है वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानता होना चाहिए, उनकी जो मैरिज है वो लव मैरिज नहीं होनी चाहिए. और दूसरा ये एक टोटली अरेंज मैरिज होनी चाहिए यानी कि इसमें कोई बिचोला या मैट्रिमोनियल वाले थे जिन्होंने ये रिश्ता करवाया. और तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि उन दोनों ने एक साथ 3 महीने से ज़्यादा जो है स्पेंड नहीं किए होने चाहिए. अगर वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ या कपल जो है अब 3 मंथ से ज़्यादा इकट्ठे स्पेंड कर लेता है तो वो जो है कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनको जो है दूसरे वीज़ा की अप्लाई करने होते हैं. तो इसमें अरेंज मैरिज होनी चाहिए और इसके अलावा जो है आप दोनों ने 3 मंथ से कम का टाइम जो है एक साथ स्पेंड किया होना चाहिए. तो आप अपनी अरेंज मैरिज के प्रूफ्स के साथ जो है कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा, जिसको अरेंज मैरिज वीज़ा बोलते हैं, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो है अप टू 1 ईयर का वीज़ा मिल जाता है एप्लीकेंट को और वो न्यूजीलैंड में जाके जो है वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, बिकॉज इसमें जो है वर्क राइट्स नहीं होते और उनको बाद में जो है वर्क राइट्स अप्लाई करने के लिए अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद वो अपना जो है रेजिडेंस वाला वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं जब उनका जो है 12 महीने का टाइम पीरियड जो है पूरा हो जाता है अपने पार्टनर के साथ. अब नेक्स्ट वीज़ा जो होता है वो होता है पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर वर्क वीज़ा. तो जो पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनकी अरेंज मैरिज भी नहीं हुई और जिन्होंने अभी तक जो है 12 महीने एक साथ स्पेंड नहीं किए, यानी कि वो ना तो रेजिडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल है और ना ही जो है वो कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा के लिए एलिजिबल है, वो दोनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तो वो जो है वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे हैव इन प्रूफ. तो उनको जो है इसमें काफ़ी अपने प्रूफ्स देने पड़ते हैं अपनी रिलेशनशिप के. ये जो वीज़ा होता है अप टू 2 ईयर्स का मिल जाता है, यूजली 1 से 2 साल का वीज़ा ग्रांट होता है. तो इसके अंदर ही 12 महीने का टाइम पीरियड पूरा करके जो है एप्लीकेंट अपना जो है रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है 12 महीने के बाद. सो जो लास्ट वाला 4th वीज़ा होता है वो होता है पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर विजिटर वीज़ा. पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर विजिटर वीज़ा भी उन लोगों के लिए होता है जिनकी ना तो अरेंज मैरिज हुई है और ना ही उन्होंने अभी तक जो है 12 मंथ्स का टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी जो है ये दोनों वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और वो अभी वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते और वो सिर्फ जो है न्यूजीलैंड विजिट करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद ही वो अपना रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं. तो वो जो है
पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर विस्टर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो आपको जो है अपनी रिलेशनशिप के प्रूफ प्रोवाइड करने होते हैं, और साथ में ये जो वीज़ा है यूजली 1 ईयर तक का या 9 मंथ्स से लेके 12 महीने तक का जो है वीज़ा इमिग्रेशन ग्रांट कर देती है। इसमें भी कोई वर्क राइट्स नहीं होते हैं। इसमें आपको पहले जो है पार्टनरशिप बेस्ड जो है विस्टर वीज़ा मिलता है, और आपको जो है वहाँ पे जाके अपने प्रूफ्स बनाने होते हैं टू अप्लाई अदर वीज़ाज। सो गाइस दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वीज़ाज, जिसमें जो है एक न्यूजीलैंड सिटीजन या न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंट है, जहाँ जो रेजिडेंट वीज़ा पे हैं वहाँ पे वो लोग अपने पार्टनर को जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैंने चारों ही वीज़ाज के बारे में जो है आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अपना जो है वीज़ा का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से स्टार्ट करना है, तो आप घर बैठे ही एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।